और ये टीम को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम इस टीम कर रहे हैं हमारे संत महापुरुषों को मानव हित का किया हुआ कार्य को समाज के देश के अंदर सभी बहुजन समाज को जागरूक कर अपने हकों को मांग रहे हैं और बचाना चाहते हैं। उन्होंने आरपी सिंह साहब ने मिशन तुगलकाबाद भूमि आंदोलन को भी हमारे साथ रात दिन साथ चले, सपोर्ट किया, सहयोग किया, मैं उसका भी उनको धन्यवाद देता हूँ। मुझे कभी कभी हम लोग सदगुरु रविदास महाराज के विचारधारा को लेकर पूरे देश दुनिया में चल रहे हैं, कभी कभी हमें बहुत चिंता होती है कि हमारे महापुरुषों ने मानव हित कल्याण की कितनी बड़ी बात की है, कितना बड़ा मार्ग रास्ता दिखाया है। और आज की सरकार हमारे महापुरुषों की विचारधारा को तोड़ दे रही है। जो हमारे हक अधिकार की बात है आज की सरकार हमारे से छीन रही है। मुझे खुशी हो रही है कि देश में जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनके नाम से जितने भी संगठन इस देश में चल रहे हैं और ये संगठन आज इस देश में हमारे समाज के हकाधिकार की बात कर रहे हैं और आवाज उठाकर इस सरकार को समझाने का काम कर रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है इस देश में एक होने की, और कभी भी हमें हमारे महापुरुषों के नाम से संदेश आता है कन्याकुमारी से काश्मीर, गुजरात से आसाम तक हमारे सभी संगठनों मिलकर एक होकर हमारे हक की बात करनी चाहिए। जो काम आज आरपी सिंह साहब ने पूरे देश के लोगों को यहाँ बुलाकर, अन्य संगठन के लोगों को यहाँ बुलाकर जो अपने हक की बात वो आज आवाज उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन पूरे विश्व में काम कर रहा है, सदगुरु रविदास जी के अनुयायी पूरे विश्व में है, तो पूरे रविदास समाज के जितने भी पूरे विश्व के लोग इस संगठन के साथ हम कंधे से कंधा देकर खड़े रहेंगे, चाहे तन हो मन हो। आओ, समय एक होने का आया है और जिन महापुरुषों ने हमें अपने अपने संविधान के अंदर हो, जैसे सदगुरु रविदास जी ने अपने वाणी के अंदर हो, जो जो हमारे महापुरुषों ने हमें वचन दिए उसको संभालने का और जीवन में लाभ लेने का काम हम लोगों को करने का समय आया है। हम मिलजुल के एक होके साथ देंगे, यही मेरा मिशन तुगलकाबाद की टीम हो या फिर भारतीय रविदास धर्म संगठन की पूरी टीम हो, हम आपके साथ है। यही दो शब्द कहते हुए हम आपके साथ है। मुझे खुशी हुई आप आरक्षण बचाओ जो संघर्ष कमेटी है, पूरे देश के लोग आप यहाँ आए, अन्य स्टेटों के भी लोग आए हैं, आओ मिलजुल के हम संघर्ष करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े। यही मेरे दो शब्द यहाँ पर मैं अर्पण करता हूँ। पैना से खास इस कार्यक्रम के लिए केशव टंडा जी वहाँ पर गुरुघर से यहाँ आए हैं,
मैं उनके तरफ से भी इस फंक्शन को शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय गुरुदेव, जय वीर, जय भारत। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।